दोस्तों जंगली मूवी सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है और इस फिल्म को लेकर फैंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों सबसे पहले ये जो फिल्म है वो हिंदी लैंग्वेज में एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट चक रसेल ने किया है जो कि अमेरिकन फिल्म मेकर है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के प्रोड्यूसर की तो इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर आपको विद्युत जम्बाल, पूजा संबंत और आशा भट्ट नजर आने वाली हैं। और इस फिल्म की कहानी जानवरों की शिकार और उनकी तस्करी को लेकर है और उसी घटना पर आधारित है। दोस्तों हिंदी सिनेमा में जानवरों से जुड़े विषयों पर बहुत ही कम फिल्में बनी हैं। वैसे दोस्तों आप लोग ये तो जानते होंगे कि सन 1971 ईस्वी में राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी, और उसके बाद वो उस समय काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई थी। और इसके बाद एक फिल्म आई थी तेरी मेहरबानियाँ, और वहीं कुछ साल पहले ही अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट। और ऐसे में जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म जंगली एक और फिल्म है जो कि जानवरों से जुड़ी फिल्म है। सबसे पहले दोस्तों इस फिल्म की कहानी में बात करते हैं इस फिल्म के लीड एक्टर के बारे में। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर आपको विद्युत जम्बाल नजर आएंगे जिनका इस फिल्म की कहानी में नाम होता है राज। वहीं दोस्तों इनके पिता हैं जो कि जानवरों के संरक्षण करते हैं और काफ़ी समय पहले किसी बात को लेकर राज जो हैं अपने पिता से खफा हो गए थे और मुंबई चले गए थे। मुंबई जाने के बाद वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर बन गए। और वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो राज के जो पिता हैं वो जानवरों की संरक्षण करते हैं और वहीं उनके साथ एक और लड़की है जो कि उनके पिता का साथ देती है और जानवरों के संरक्षण में उनकी मदद करती है। और ऐसे में उस लड़की को राज से प्यार होता है। और वहीं एक और लड़की का किरदार होता है इस फिल्म की कहानी में जो कि एक वीडियो जर्नलिस्ट होती है और वो एक फिल्म बनाना चाहती है जिसकी वजह से वो राज से जुड़ जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि जिस तरह से किसी फिल्म में हीरो होता है तो विलन भी होता है, तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह इस फिल्म की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से जो विलन जो है उन जानवरों की तस्करी कर रहा है और किस तरह से राज उन सब से मुकाबला करता है, वहीं किस तरह से वो अपना बदला लेता है। जी हाँ, आप लोग जब इस फिल्म की पूरी तरह से आप लोग जाके सिनेमाघरों में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो दोस्तों आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा, अपना ओपिनियन, अपना रिव्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।